चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य सरकार ने अतिरिक्त सतर्कता राजस्थान जन अनुशासन के तहत ये नई गाइडलाइन जारी की है। धार्मिक स्थलों को लेकर नए आदेश, श्रद्धालुओं को डबल डोज वैक्सीनेशन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है वो जारी रहेगी। धार्मिक स्थल पर फूल माला, प्रसाद, चादर, अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर अब प्रतिबंध रहेगा। विवाह आयोजकों को लेकर गाइडलाइन में कहा गया है कि विवाह की सूचना DYTT के ऑनलाइन वेब पोर्टल पर देनी होगी। विवाह के संबंध में उपखंड मजिस्ट्रेट की ओर से निगरानी करवाई जाएगी। विवाह आयोजन में वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। तो ये नई गाइडलाइन के तहत ये कदम अब उठाने होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुशांत पारिक हमारे से ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। सुशांत, जैसा बैठक के बाद ये अंदाजा होने लगा था कि अब जो है थोड़ी बहुत पाबंदियां देखने को मिलेंगी, अब गाइडलाइन जो जारी की गई है, क्या कुछ उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातों का जिक्र है? देखिए, जो बातें अभी हमने बताई दर्शकों को, उसके अलावा हम बात करें तो विवाह समारोह में मेहमानों की जो संख्या है वो करीब 100 से ज्यादा नहीं रहेगी। अंत्येष्टि अंतिम संस्कार में अधिकतम संख्या 20 रहने वाली है और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बड़े क्राउड पर अब जो अभिनव सरकार ने रोक लगा दी है उनमें भी संख्या जो है वो केवल 100 रहेगी। अगर हम बात करें खासतौर पे उस मुद्दे की जिसको लेकर आज बैठक में पुरजोर तरीके से चर्चा हुई कि बाहर से जो लोग आते हैं राजस्थान में उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाए, तो सरकार ने अब उनके लिए RT-PCR जांच कराना अनिवार्य कर दिया है। RT-PCR जांच रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तब ठीक, अन्यथा यात्री को 7 दिनों के लिए जो है क्वारंटीन रखा जाएगा। एक अच्छा आदेश, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है नया साल मनाने के लिए राजस्थान आए, लेकिन उस तरह की मुकम्मल व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। और हम जिस धार्मिक स्थल को लेकर बात कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री ने सुझाव मांगे थे, अलग अलग सुझाव जो हैं वो मिले और फाइनली ये कहा गया कि अभी धार्मिक स्थलों को बंद नहीं किया जाए, बल्कि डबल जो वैक्सीनेशन है वो आने वाले लगाने वाले व्यक्ति ही जो है वो वहाँ पहुंचे, दर्शन करें, और जिन मंदिरों में ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पर ऑनलाइन दर्शन किए जा सकते हैं वो व्यवस्था की जाए। लेकिन धार्मिक स्थल पर अभिनव पूजा की जो सामग्री है, प्रसाद है, चादर है, उस पर पूरी तरीके से अब प्रतिबंध रहेगा। विवाह समारोह में अब जो SDM स्तर के अधिकारी को कहा गया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि वहाँ पर क्राउड इकट्ठा नहीं हो, वहाँ पर पूरी तरीके से जो है उसकी रिकॉर्डिंग करवाई जाए, वीडियोग्राफी करवाई जाए, ताकि डर के साथ साथ जागरूकता का माहौल भी जो बने। दुकानों के लिए प्रतिष्ठानों में मालिक और स्टाफ से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन होना अनिवार्य होगा और इसकी सूचना जो है वो डिस्प्ले करना होगा कि हमारे यहाँ जितने स्टाफ कर्मी हैं उन सभी को वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर कोशिश अभिनव अभी फिलहाल यही दिख रही है राज्य सरकार की कि किसी भी तरीके से पैनिक क्रिएट नहीं हो, बिल्कुल लोगों में डर नहीं फैले, बल्कि बिल्कुल डर की जगह जागरूकता का माहौल बने और लोग इसे जागरूकता के तौर पर ले और सतर्कता बरते, ये कहीं ना कहीं इससे संदेश देने की कोशिश है। लेकिन सुशांत, दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो ये कि स्कूल कॉलेजों को लेकर कोई इस गाइडलाइन में कोई जिक्र है, और साथ ही साथ समझना चाहेंगे दुकानों के खुलने बंद होने का समय, बाजारों को लेकर, व्यापारियों को लेकर भी क्या इसमें कोई जिक्र है नई गाइडलाइन में? देखिए, स्कूल के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जयपुर नगर निगम क्षेत्र खासतौर पे ग्रेटर और हेरिटेज है, उसके समस्त राजकीय और निजी विद्यालय जो है कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो है अभिनव 3 जनवरी से 9 जनवरी तक के लिए बंद रहेंगे। यानी 7 दिनों के लिए जयपुर नगर निगम के समस्त सरकारी और निजी विद्यालयों को सरकार ने बंद करने के लिए कहा है। इसके अलावा राज्य की अन्य जिलों के जो स्कूलों को लेकर फैसला है वो सरकार ने जिला कलेक्टर पर, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पर और उनसे छोड़ा है कि वो राज्य सरकार से बातचीत करके इस संबंध में फैसला करें, क्योंकि बड़ी संख्या अभी जयपुर में है। लिहाजा जयपुर में सरकारी स्कूलों को खासतौर पे 1 से 8वीं क्लास तक के लिए जो है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। और अगर हम बाजारों की बात हम कर चुके थे कि बाजारों में वैक्सीनेशन अब अनिवार्य होगा,
और आपको इसका डिस्प्ले करना होगा अभी ना, अगर दुकान पे बाहर नहीं लिखा हुआ तो फिर आप जो है सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। विवाह समारोह के बारे में हम बता ही चुके हैं कि 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी, इससे ज्यादा लोग उसमें नहीं शामिल हो सकेंगे। और सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं, सरकार ने इसमें मेंशन किया है कि उनसे इस आचरण की सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है कि वो ना केवल औरों से पालना करवाएं बल्कि खुद भी जो है इसकी पालना करें। तो कुल मिला के धार्मिक स्थल हों, शिक्षण संस्थाएं हों, व्यवसायिक गतिविधियां हों या बाहर से आने वाले जो लोग हैं, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में रात्रि 11:30 बजे से अभिनव सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा और ये आदेश जो है एक तरीके से तत्काल प्रभाव से सरकार ने लागू कर दिए। सुशांत, जब ये बैठक हो रही थी उसके बाद जब मुख्यमंत्री मुखातिब हुए थे तो उन्होंने ये बात कही थी, इस बात का जिक्र किया था उन्होंने कि हम किसी पर पाबंदियां थोपना नहीं चाहते हैं, तो माना जाए कि ये तमाम जो नई गाइडलाइंस में जिन बातों का जिक्र है, जो प्रोटोकॉल ये सब बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं जो आज तमाम लोगों से चर्चाएं हुई हैं, चाहे वो मंदिर को लेकर धर्मगुरुओं से बातचीत हो, एनजीओ के जो लोग वहां पर मौजूद थे, राजनीतिक पार्टियों के लोग थे वहां पर, तो ये तमाम लोगों के जो सरकार को सुझाव दिए गए थे उन्हीं में से चुनकर जो सरकार को सही लगा उसे गाइडलाइन का रूप दिया गया है, या फिर कहा जाए कि राय मशवरा एक तरफ लेकिन हालात को देखते हुए सरकार ने जो है ये फैसला किया है? बिल्कुल अभिनव, और डीएम ने ये स्पष्ट भी कर दिया था कि कोई भी गाइडलाइन थोपी नहीं जाएगी। आप देखिए जयपुर में केस ज्यादा है, लिहाजा यहाँ पे स्कूल छोटे बच्चों के लिए बंद करना जरूरी हो गया था क्योंकि अभी बैठ है। और दूसरा, बाहर के लिए शिक्षण संस्थाओं से जिला कलेक्टर बात करेंगे, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। बड़े जो शिक्षण संस्थान हैं, खासतौर पे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जो हैं, वहां पर भी ये मेंशन किया गया है कि अगर बच्चे आते हैं तो लिखित में माता पिता से उनकी अनुमति आवश्यक होगी। किसी भी बच्चे पर ऑफलाइन स्टडी के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है। अगर बच्चा चाहे तो वो उसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी जो है वो रखनी अनिवार्य होगी। और विश्वविद्यालय की बात करें, उनमें भी 18 साल से अधिक जो बड़े स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये सुनिश्चित किया गया है कि 31 जनवरी 2022 तक सभी को वैक्सीनेशन लग जाए। व्यापारियों के लिए भी जो है वो सरकार ने कहा है कि आप अपने व्यवसायिक संस्थान खोलिए लेकिन वैक्सीनेशन अनिवार्य है, क्योंकि इस बीमारी से डरना नहीं है, इस बीमारी से लड़ना है। और लड़ने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो वैक्सीनेशन है। हम लगातार दूसरे डोज की मांग कर रहे हैं और जब ये प्रदेश में बूस्टर डोज की व्यवस्था भी हो जाएगी तो लोगों को और अधिक बेहतर सुरक्षा। सुशांत, आज प्रदेश के कई अलग अलग जिलों से खबरें आई जहां पर जो लोग बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे थे, तमाम ऐसे लोगों के चालान काटे गए, इस तरह की भी खबरें आई थी। तो एक तरफ तो जागरूकता की बात हो गई, लेकिन ऐसे लोग जो सरकार की तमाम निवेदनों को नहीं सुन रहे हैं, जागरूकता उन तक पहुंचाई जा रही है लेकिन लापरवाही का सिलसिला जारी है, तो ऐसे लोगों को लेकर बाजारों में राह चलते लोगों को समझाने के लिए कुछ ऐसी सख्तियां भी होंगी इस आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, जहां पर मास्क ना पहनने वालों को चालान हो, जो प्रोटोकॉल नहीं पालन कर रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो? देखिए, ये जरूरी भी है अभिनव, और डीएम ने इस संबंध में सख्ती के लिए कह भी दिया है कि वैक्सीन लगाना एक तरीके से कानून होगा, क्योंकि आप वैक्सीन अगर नहीं लगाते हो तो इससे दूसरों की जिंदगी खतरे में पड़ती है। मास्क लगाने के लिए सरकार विधानसभा में कानून ला चुकी है, मास्क लगाने नहीं लगाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सीएम ने जो बड़ी बात कही आज अपनी वीसी में कि लोगों को अवेयर करने के लिए फिर से अब एनजीओ को, पुलिस प्रशासन को, नेताओं को निकलना होगा, लाउड स्पीकर का सहारा लें, लोगों को अवेयर करें, बताएं कि खतरा है लेकिन अगर सावधानी रखें तो हालात नहीं बिगड़ेंगे। और हमें वही उसी दिशा में काम करना है कि राजस्थान में हालात बिगड़े नहीं, क्योंकि WHO भी बार बार जो कह रहा है वो यही है कि ओमिक्रॉन हो या कोरोना हो, ये तीसरी लहर में अगर हम बूस्टर डोज लगाएं, समय पे वैक्सीनेटेड हो, तो संभवतः खतरा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन चुनौती निश्चित तौर पे बड़ी है। और हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री लगातार इसी दिशा में काम कर रहे हैं, इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो है वो सब लोगों के साथ, सभी वर्गों के साथ मिलकर
लोगों को अवेयर करने के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में भी अभिनव काम कर रहे हैं। सुशांत, जब हम मुख्यमंत्री को उस वक्त बैठक के बाद सुन रहे थे तो उन्होंने एक बात का दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि हमने मंदिर बंद करा दिए, शादी समारोह और बाकी समारोहों को लेकर लोगों की संख्या तय कर दी, लेकिन राजनीतिक जो आयोजन होते हैं, रैलियों को लेकर जो है वो जब सवाल पूछे जाते हैं तो निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इस बात का भी जिक्र किया था, इसका जवाब आपसे लेंगे कि उसको लेकर कैसे देखा जाए, लेकिन एक बार जो अपडेट है इस खबर में एक बार दर्शकों को बता देते हैं। जो जानकारी आपने दी है, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, और जो महत्वपूर्ण बिंदु है एक बार समझिए, प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, कक्षा 1 से 8 तक कक्षाएं, 3 जनवरी से 9 जनवरी तक जो है वो बंद, और सभी स्कूलों को निर्देशित भी कर दिया गया है। तो ये जो ब्यूरो चीफ हमारे बता रहे थे गाइडलाइंस में जो जिन बातों को शुमार किया गया है, एक बार हम आपको दोबारा से पॉइंट वाइज समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनका पालन अब जो है होता दिखेगा। सुशांत के पास वापस चलते हैं। सुशांत, जो मैं जिक्र कर रहा था कि तमाम लोग जब ऐसे सवाल उठाते हैं तो खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम निरुत्तर हो जाते हैं, हमें कोई जवाब नहीं होता। सवाल यहां से फिर भी उठेगा कि राजनीतिक पार्टियों को लेकर, सियासी आयोजनों को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइन में है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात थी आज जब सीएम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम अगर लोगों पे कोई गाइडलाइन थोपते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप विवाह समारोह हो या दूसरे कार्यक्रमों पे रोक लगाते हैं लेकिन पॉलिटिकल रैलियां क्यों नहीं रुक रही हैं। और उन्होंने अपना राजस्थान का भी हवाला दिया, यूपी का भी जिक्र किया, जिस तरीके से चुनाव आयोग इस संबंध में फैसले करने वाला है उसे लेकर बात की। लेकिन अच्छी बात यह है अभिनव की जो ये गाइडलाइन है उसमें किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक और जो दूसरे आयोजन होंगे जिनमें सभा हो, रैली हो, धरना प्रदर्शन हो, जुलूस हो, मेले हो, सभी में 100 लोगों के ही सम्मिलित होने की अनुमति जारी की गई है। इससे ज्यादा अनुमति लोगों को नहीं मिल सकेगी और इसकी जानकारी जो आयोजन से पहले यूआईटी का जो ऑनलाइन वेब पोर्टल है उस पर लोगों को देनी होगी। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो सरकार से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। यानी कुल मिला के जो है ना केवल ऐसे आयोजनों में बल्कि विवाह समारोह में भी वीडियोग्राफी के साथ साथ सीज करने की कार्रवाई है अगर नियमों की पालना नहीं हुई। सरकार चाहती है कि आप अपने आयोजन कीजिए, आप अपने लोगों को बुलाइए लेकिन सीमित संख्या रखिए, कोशिश कीजिए वैक्सीनेटेड हो। स्कूली बच्चों को लेकर सरकार चिंतित है और जिस तरीके से आज कहा गया कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर एक वैक्सीनेशन अभियान चले, सरकार की टीमें जाएं स्कूलों में जाकर लोग बच्चों को वैक्सीनेट लगाए, और ये एक बड़ा सुझाव था आज क्योंकि कोई भी संस्थान बंद करना सरकार नहीं चाहती है। ना केवल लोगों की दिनचर्या गड़बड़ होती है, आर्थिक चक्कर टूटता है, एक लंबा जो है लॉकडाउन हम पहले देख चुके हैं, लोग वापस अब धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लाने लगे हैं। ऐसे में सरकार गाइडलाइन के साथ साथ लोगों के आर्थिक और जीवन चक्र को भी बनाए रखना चाहती है। शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो लगातार कोशिश करती रही हैं कि दोनों फॉर्मेट रहे, ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन कोशिश है कि बड़ी क्लासेस चलती रहे। जो बच्चे छोटे हैं खासतौर पे जहां जैसे जयपुर की मैं बात कर रहा हूं कि आज बड़ी संख्या में केसेज आए हैं, आंकड़ा 300 के पार कर गया है, ऐसे में चिंताएं वाजिब हैं और आने वाले दिनों में और संभावना है। तो सबको अवेयरनेस के साथ जो है सरकार का सहयोग करना होगा तभी सुशांत अवेयरनेस की आपने बात की। हमने देखा कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई नारे दिए और व्यवस्थाएं दुरुस्त की, राजस्थान सतर्क है का नारा दिया था और उन्होंने इससे बताया था कि राजस्थान में कितनी माकूल तैयारियां। इस बार भी जो लगातार सरकार भी कह रही है लोगों को कि डरने की जरूरत नहीं है, हमें मिलकर लड़ना है। जी मीडिया भी लगातार लोगों को ये समझा रहा है कि ओमिक्रॉन को लेकर जो है भ्रम ना पालें और डरने के बजाय जो है आप तमाम जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, सतर्क रखें, जो भी मास्क लगाएं, बाहर जाएं, ज़रूरत ना हो तो ना जाएं। हम लगातार जागरूक कर रहे हैं लेकिन सरकार अपने स्तर पर जिस तरीके से हम अपने बतौर मीडिया कर्मी होने के नाते लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सरकार अपने स्तर पर क्या कोई नया नारा, नया कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाने वाली है? देखिए, ये जो गाइडलाइन है अभिनव, इसमें भी सरकार ने अतिरिक्त सतर्क सावधान जन अनुशासन गाइडलाइन इसको नाम दिया है। सतर्क सावधान के साथ साथ
अब अतिरिक्त एडिशनल जो है वो ऐड हो गया है, यानी अब आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। हालांकि ये बात सही है कि डरना कोई समाधान नहीं है, और जागरूकता अगर हो तो संभवतः चुनौती उतनी बड़ी नहीं होती। जी मीडिया अपनी भूमिका ओमिक्रॉन को लेकर, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लगातार निभा रहा है, और हम बता रहे हैं कि क्या क्या जो है वो चुनौतियां हैं, कैसे निपटा जा सकता है, क्या सावधानी रखनी है, और कैसे पैनिक क्रिएट नहीं हो, क्योंकि सरकार की नई गाइडलाइन का मतलब कोई पैनिक क्रिएट नहीं है। हम अपने दर्शकों को बता दें अभिनव, बिल्कुल बंद होने नहीं जा रहा है फिलहाल सरकार की नई गाइडलाइन में। अगर हम जयपुर के छोटे बच्चों के लिए स्कूल को अगर छोड़ दें तो कुछ भी बंद नहीं है, लोगों को उसी सकारात्मक तौर पर इसे समझना होगा और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वही सकारात्मकता लानी होगी, कोविड जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे अपनाना होगा, ताकि हम इस नए वेरिएंट के खिलाफ भी मजबूती से लड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए। चलिए वापस रुख करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का, भारत पाक सीमा